अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़नीन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन निहारी की, और आप लोगों को अंदाज़ा भी हो गया होगा क्योंकि हम लोगों ने मुसाशी भी रखा हुआ है सामने, तो उसके ऊपर लिखा हुआ भी आप लोग देख सकते हैं। तो लेकिन इसकी रेसिपी क्या है, ये चिकन की निहारी किस तरह तैयार होगी, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक प्याज काट लिया, थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया इसमें। तो ये मसाला है, ये 1 किलो गोश्त है, तो वो बनाएंगे। ये से प्याज ब्राउन करूँगी हल्के हल्के, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, फिर ये मैं डाल के भूनूँगी। ये टमाटर भी डालना, मैंने टमाटर डाल के भूनूँगी, फिर उसके बाद ना भी मसाला डाल के पकाऊँगी, फिर उसके बाद आटा डालूँगी। आटा डाल लें या कॉर्नफ्लावर डाल लें आप, मैदा भी डाल सकते हैं। हाँ, मतलब मेरी हारी का तो ये लाजमी जूस होता है, तो आपने आटा डालना होता है या कॉर्नफ्लावर या जो भी है। हाँ जी। लेकिन हम आपके सामने सारी तरकीब तैयार करेंगे, वो बाद में डालेंगे। हाँ, और आपको पता होगा कि हम लोगों ने किस तरह किस टाइम पर कितने मिकदार में आटा डाला है, कॉर्नफ्लावर डाला है, क्या डाला है। तो बिना टाइम जाए कि अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हाँ जी। फिर बाद में धनिया, वो नींबू वगैरह आप डाल लें, अदरक डाल लें गार्निशिंग के लिए। हाँ जी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम लोगों ने प्याजों को रख दिया है पकने के लिए, तो हम लोगों ने हल्का सा इनको ब्राउन करना है और फिर जो सी मज़ेदार चिकन निहारी की रेसिपी है वो तैयार होगी। तो व्यूवर्स, जब हम लोगों ने इसके अंदर प्याज के अंदर जो सा है वो टमाटर भी डाल दिए हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो सा है 1 चम्मच हम लोगों ने वो भी शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे। इसके बाद जो सा चिकन है हमने आपको दिखाया वो हम इसमें शामिल करेंगे, और जो निहारी मसाला है उसके साथ हम लोग शामिल करेंगे, और उसके बाद हम लोग जब इसको बनाएंगे तो इसके अंदर आटा डालेंगे। लेकिन कब डालेंगे, किस तरह डालेंगे, कितने मिकदार में, और किस तरह हम लोगों ने इसको बनाना है, इसकी थिकनेस का कैसे ख्याल रखना है, ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो, तो वो सारी चीज़ें जो सी हैं आप लोगों को जाननी है, तो आप लोगों को हमारी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हम अपनी फीडबैक दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलें। तो अभी हम लोग उसको भून लेंगे, सिर्फ चिकन अभी डाल लेंगे। चिकन साथ ही हम लोगों ने जो सा चिकन है वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया, तो बहुत झटपट सी बन रही है। तो यहाँ भी हम लोगों ने प्याज रखे, टमाटर डाले, तो इतना अदरक का पेस्ट डाला, और साथ ही हम लोगों ने जो सा चिकन है वो भी शामिल कर दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि भूना ना मन से थोड़ा सा भी भूना, ज़्यादा नहीं। ये मैंने आटा 2 चम्मच डाल दिया, अब इसे पकाएंगे अच्छी तरह। अभी पतला है ना, और अभी पकेगा ना गाढ़ा। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर जो सा आटा है वो डाल दिया है, और अब हम लोग इसको पकाएंगे, क्योंकि अभी ये पतला है, गाढ़ा नहीं हुआ, तो फिर गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद जो सी हमारी रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। तो उसको हम लोग फिर धनिया और अदरक के साथ जो सा वो गार्निश करेंगे, तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब उसको मज़ीद थोड़ी देर पकाते हैं। हाँ जी। फिर नींबू निचोड़ के आप खाएं, ऊपर हरी मिर्च डाल के साथ, उसको सर्व नान के साथ, तो हरी मिर्च धनिया डाल के ना बहुत मज़ेदार बनेगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सी हमारी आज की रेसिपी है चिकन निहारी की वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब हम उसको डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा आ रही है। ये देखें सालन भी गाढ़ा है। हाँ, वो सालन की थिकनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, और इसको अब हम लोग गार्निश करेंगे। हरी मिर्च, धनिया, मज़ेदार, मुंह में पानी आ गया देख के। इसको नान के साथ अब सर्व करें। साथ नींबू गिर गया कर देते हैं, ये देखे साथ नींबू, दूसरा भी आप ऊपर ही रख दो इसके, दूसरा भी ऊपर ही चले, ये भी नहीं, ये इधर रख देते हैं, वो डूब गया। चले ये लें जी व्यूअर्स, ये है हमारी चिकन निहारी का ज़बरदस्त मज़ेदार सा फाइनल लुक।
तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी चिकन निहारी की पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक लग रहा है और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है, घी भी आ गया। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। तो व्यूवर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं क्योंकि इतनी मज़ेदार सी रेसिपी देखिए मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं इसको दिल से खा लेती हूँ। तो आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें, हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूवर्स इतना तो बनता ही है ना कि हम आपको इतने मज़ेदार मज़ेदार से खाने पकाना सिखाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि आपको इस तरह के मज़ेदार मज़ेदार से जो सी रेसिपीज हैं उनको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूवर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।